नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2002 का सवाल है क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग वैन स्ट्रैच थ्रू अ डिस्टेंस एस इज टेन जूल द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल दैट मस्ट बी डन ऑन द स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू अडिशनल डिस्टेंस ऑफ एस विल बी हमारे ऑप्शन है दस बीस तीस या चालीस जूल सो सवाल ये है कि एक स्प्रिंग है उसको आपने पहले दस सेंटीमीटर नहीं पहले आपने एक्सट एक, 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 डिस्टेंस उसको खींचा है तो काम करना पड़ा है दस जूल सवाल ये कि अगले एस खींचने में कितना कितना काम हमें करना पड़ेगा सिंपल uh, सवाल है बट थोड़ी सी फंडामेंटल क्लैरिटी की जरूरत है सो so, ये अपना स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को जो आपकी नेचुरल लेंथ है उससे अगर आपने एस खींचा है तो आपका जो वर्क डन है या जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इसमें सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एस स्क्वायर और इसकी वैल्यू अपने को 10 दी हुई है नाउ इसी स्प्रिंग को अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी खींच के आ, एस तक तो पहले खींचा हुआ है नेचुरल लेंथ से एस उसके बाद आप और एडिशनल एस खींच रहे हैं तो इस केस में स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया टू एस तो यहाँ पे अपना जो वर्क डन है वो हो जाएगा हाफ के टू एस का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर अगर बाहर ले आए हम सो डैट विल बी इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाई हाफ के एस स्क्वायर सो तो ये हमारा टोटल वर्क डन होगा ना ये वाला काम दस जूल का ऑलरेडी हो रखा है ठीक है सो इसमें अगर हम वैल्यू रख दें सो हाफ के स्क्वायर आपका दस रख के ये आ गया चालीस जूल चालीस जूल का काम हमें नेचुरल लेंथ से टू uh, एस तक खींचने में करना पड़ेगा so, आपका नेचुरल लेंथ से एस तक का दस का जूल का काम ऑलरेडी हो रखा है तो यहां पे जो एडिशनल वर्क डन है जो अपने को सवाल है एडिशनल वर्क डन सो वो होएगा फोर्टी दैट विल बी इक्वल टू फोर्टी माइनस टेन यानी कि थर्टी जूल सो इस एडिशनल काम में यहाँ से यहाँ तक के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू थर्टी जूल सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए थर्टी जूल वुड बी द राइट आंसर